हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी गेम को हैक कैसे कर सकते हैं। किसी भी गेम को हैक करने के दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका कि आप उसे हैक करा हुआ इंस्टॉल करें, और दूसरा तरीका ये कि आप उसे इंस्टॉल करने के बाद हैक करें। तो मैं आज आपको पहला वाला तरीका बताने वाला हूँ कि किसी भी गेम को हैक करे हुए कैसे इंस्टॉल करना है। अब जैसे मैं किसी गेम को पहले प्ले स्टोर पर सर्च करता हूँ। STORY। अब यहाँ पे आ गए इतने सारे गेम्स। अब यहाँ पे से अपन को एक गेम लेना है। पहले ढूंढ लो कौन सा। चलो मैं अपनी पसंद का ही गेम ले लेता हूँ। सो कम ऑन गूगल, और यहाँ पे टाइप करें, जैसे कि मैं गेम ले रहा हूँ सबवे सर्फर, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सर्फर। अब यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे लिख देना है MODAPK। ये लिखने से क्या होता है कि मतलब जो गेम होता है ना, उसकी अनलिमिटेड चीज़ अंदर के, मतलब सब चीज़ अनलिमिटेड हो जाती है, लेवल्स को छोड़ के, मतलब अपनी मनी की कॉइन्स वगैरह सब। सो पहली वाली वेबसाइट आप ज़्यादातर पहली वाली खोलें, पहली वाली में सबसे बेस्ट रहता है। अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा नीचे, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे से डाउनलोड हो रहा चालू हो जाएगा। 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 1 0। अब यहाँ पे से इसे डाउनलोड कर लेना है। अब ये यहाँ पे तो स्टार्टेड हो गया, लेकिन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है डाउनलोडिंग का, और लिखा आ गया। अब ऐसा करते हुए आपको इसको इंस्टॉल करते करने के टाइम एक प्रॉब्लम आएगी कि ये बोलेगा कुछ दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी कहाँ गई, सिक्योरिटी में जाके अननोन सोर्स में जाना है। यहाँ पे आ गया अननोन सोर्स। अननोन सोर्स को आपको ये मतलब ऑन कर देना है। अननोन सोर्स को ऑन रखना है तो ही आप किसी भी गेम को बाहर से जो आ रहा है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, वरना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सॉरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी बहुत स्लो है। फाइव मिनट्स बता रहा है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको कुछ और बताता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पास वाले बटन बेल के बटन को भी दबा दीजिए। इससे आप मेरे अपलोड करे हुए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, और मैं कई बार लाइव भी आता हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। सब देखते हैं ये कितना डाउनलोड हुआ। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो को मैं पॉज नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है, इसलिए आपको पूरा डाउनलोडिंग दिखाना पड़ रहा है। बस स्टॉप ही हो सकता है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये गेम GTA वाइस सिटी को आप अपने फ़ोन में सिर्फ 200 से 300 MB के अंदर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं ये कितना डाउनलोड हुआ। लो हो गया। अब इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें MODAPK लिखने का फ़ायदा क्या होता है। अब यहाँ पे वर्जन आ गया पेरिस वाला, ये चालू हो रहा है, और मैं आपके सामने इसे पहली बार खोल रहा हूँ, और देखिए कि अंदर कॉइन्स और कीज़ कितनी निकलेगी।